कतना सुंदर माला बनल बा, कैसन होई बनवैया ना। एक बार राजा विक्रमादित्य और उनके रानी में कौनो बाती के लेकर तकरार हो गई और धीरे धीरे आपस में बात बढ़े लागल, लेकिन रानी वही समय पर ऐसा ऐसा बात बोल देली, झगड़ा बढ़ गई महाराज। अरे हंसी हंसी में दिहली झगड़ा बढ़ाई, हंसी में दिहली झगड़ा बढ़ाई। रानी कहली हमसे रो रहे झगड़ा मचोरे बनी, अब जो कानून छोड़ के चल जाए तो हमारे से रानी खोजने कहीं मिली है नहीं। हमारे यही सोन दुलहिन तुहके कबहू नहीं भेटाई, कतहू नहीं भेटाई। राजा विक्रमादित्य कहने का बोला कर, अरे तुमसे बढ़िया, तुमसे सुंदर, तुमसे विचारवान, तुमसे सुशील, तुमसे बुद्धिमान अप्सरा के समान हम रानी ले आई। अरे तुमसे बढ़ के दुल्हन लाइब, तुमसे बढ़ के दुल्हन लाइब। वो तनी समय रानी चबोली का नाम खूब बढ़िया से चलल रहल। रानी चबोली बड़ी सुंदर बड़ी, तमाम राजा महाराजा उसे विवाह करे खातिर तरसन। लेकिन रानी कहले काबा महाराज, अरे रानी चबोली के ले जाई बाबलाई हो, हंसी है हंसी में झगड़ा दिहली बढ़ाई। रानी चबोली वास्तव में बड़ी सुंदर रहल, बड़ी बुद्धिमान रहल, बड़ी सुशील रहल, लेकिन वो कर शर्त रहा कि रात के समय में चार पहर होला, जे राजा महाराजा वो चारों पहर में चार बार हमके बुलवा दे, वही से हम ब्याह करब। लेकिन रानी का काम का महाराज, चुप्पी लगाई हो, चुप्पी लगाई रानी बैठेली, चुप्पी लगाई। साथे मोर हुई है बियाहवा, रतिया में चार बार दे बुलाई रानी बैठेली, चुप्पी लगाई। जौन की अदृश्य हो जाए वाला रहने के हुए ने देख नहीं पावत रहल, चार गो संघाती अपने संघमा में निहल, चार गो संघाती अपने संघमा में निहल। रानी चबोली के दरबार में पहुंच गई मन, वहां दरवाजे पर नगाड़ा धैल रहत रहल और जे राजा महाराजा पहुंचत रहल आ नगाड़ा ठोक देत रहल। आ वहां रानी के पास उनके बुलावा हो जात रहल,
लेकिन रात भर में वह रानी के केहू बोलवा नहीं पावे। ऐसे ऐसे तमाम राजा महाराजा जेल के हवा खात रहने, जे रात में रानी के बोला नहीं पावे और ने रानी जेल में बंद करा दे, जेल में सड़त रहने। राजा विक्रमादित्य जब पहुंचल बाटे और वह नगाड़ा के बजा धेले बाण, रानी के तरफ से आदेश भइल बा, राजा विक्रमादित्य के बुलावा भइल बा रनिवास में, और रानी सज धज के सरहो सिंगार कैके आय के पलंग पर बैठलिया और राजा तैयार हो गए बाटे और रानी के बुलावे खातिर। तमाम कोशिश कैले के बाद रानी जब नाई बोलल, उ अपने चारों संहरिहन के जौन की बहुत छोट रूप धैले रहने, अदृश्य रहने, केहू देख नहीं पावत रहल, एक जनी के कहना तू चार पाई के पाया के पास में जाके बैठ जइहा, आ एक जनी कहना जौन मटका धैल बा मटका में जाके बैठ जइहा, आ एक जनी के कहना जौन खिड़की बा खिड़की परे बैठ जइहा, आ एक जनी के आदेश लगल कि रानी के गले में जौन हार बा वो हार में जाके बैठ जइहा, और योजना के अनुसार सबके हर बात समझा दे। राजा विक्रमादित्य कहने, अरे भाई पलंग रानी कुछ बोलल नहीं चाहतिया और रात देखत ही कटे वाला नहीं बा, अब कुछ तू ही बोला बतियावा, हमन पचन अपने में बोल बतियाए के रात काट रह जाई। लेकिन पलंग बोलल बा, हे राजा अरे हम एक कहानी सुनावा तारी और वही कहानी के सुन के धीरे धीरे हमन के रात पास हो जाई, तू केवल हुकारी भरल करिया। लेकिन पलंग कैसे कहानी सुनावा था, दू गो लड़के रहना, एक लड़का के नाम रहल चक्रधर और एक लड़का के नाम रहल शशिधर, दोनों लड़कन में रहल गहिरी मिताई। हाँ दोनों लड़कन में रहल गहिरी मिताई, सब खेले कूदन साधव में करल पढ़ाई, दोनों लड़कन में रहल गहिरी मिताई। वो समय में लड़कन के छोटे परे बियाह हो जात रहल, अब देखुआ अले। लेकिन भैर का महाराज, अरे दोनों लड़कन के जागल बा भगिया देखा बियाहवा भैले, दोनों लड़कन के भगिया बा जागल देखा बिया हवा तो हो गई लाना, धीरे धीरे हो बीतली समैया लड़के जवानी में आ गई।
ससुरैया संग में नीतम कोई होने बताई अकेले ससुरारी जाए के बाद का जनी कई दिन में वह से विदाई हो अकेले कैसे रह। उनकर दादा जब सुन पाना कहना हे बाबू अरे हुआ राजा का लड़कवा तुहरे मीते बने चक्रधर अरे वो नहु के संहरिया ले लनाई तुहार जीव लगाता दोनों मितवा वहां से चल दे माना। लेकिन जब राहे में पहुंचल बने और एक देवी के मंदिर परल बा भइल का महाराज अरे बिचारे डगरिया में परल अरे देवी के मंदिर बाहो देवी के मंदिर वाए रामा देवी के मंदिर बाहो हिसाब से अगर हमारे ससुरारी में सेवा हो गई और मीते हमार खुश हो गई ना तब तो के अपन गर्दन काट के यहाँ चढ़ा दे। ओकरे बाद दोनों मीता जा के ससुरारी में पहुंच गई वाणन अरे दोनों हो मीतवा हो दोनों हो मीतवा पहुंचे ससुरारिया में जाई दोनों सेवा भाई ये दोनों मीता के आत्मा गदगद हो गई और वहां से दुल्हन के विदा करा के जब चल मरे और रास्ते में जब यही ने और देवी माई के जब मंदिरवा परल बा तो शशिधर कहले ये मीते तनी यही रुका और हम जाई तनी माई के मंदिरवा में तनी दंडवत प्रणाम कैले आई। मीताऊ कहले ना मीते हम संघरिये चल कहले ना हम मनौती मान ले वाली हमें अकेले जाए के बा यही रुका अब हमें आवत हई। लेकिन गईले तो कहले का महाराज वापिस आके साहू देहलैया अपन शीश चढ़ाई अपन शीश चढ़ाई
दूर कर मीते जब गई वाले अंदर मा और देखले मीते का घटिया अलगे परलबा और शरीरिया अलगे परलबा बड़ा चिंता भई कहा जब मीते नहीं बा तो हम रह के का करब और तरवार उठौले बना अरे उनके याद में तुम मरल उनके याद में तुम मरल मरल पड़ल बना तो तलवार उठा काल समय जिंदा रह के का कर अरे दूलहिन के बेरिया माई पार घट हो जाई हो दोनों लड़िकन में रहल प्रेम अधिकारी अपन मरल चाहले बा अपन गटई काटल चाहले बा तो माई वही प्रगट हो गई बारी कहली है बेटी ऐसा नहीं करा दुल्हनिया कहती है जब हमार पति नहीं बा तो हम रह के का करब माई कहली तोहार तपस्या और तोहार कर्म देख के और तोहरे दुल्हा के विचार देख के और उनके मीते के विचार देख के आत्मा हमार गदगद बा और तू जान देने का कोशिश नहीं करा यह लोगन के हम जिया दे तानी ऐसा करा ये मुड़िया या लोगन का मुड़िया जान बा दहिया में ले आके साट दे और अपने शक्ति से हम जिंदा कर दे रानी देवी माई के इतना बतिया सुन के आउ दुल्हनिया हरी हरी मुड़िया ले आके दहिया में सटा देतिया अरे दिहली सटाई हो दिहली सटाई धड़ से सिरवा के दिहली सटाई धड़ से सिरवा के दिहली सटाई लेकिन मुड़िया वो दहिया में सटावत का दुल्हनिया से वो गलती हो गई महाराज दुल्हन से वो गलती भई चारपाई बोला था हे राजा विक्रमादित्य बड़ा न्यायी बड़ा हमें ये बतावा दुल्हनिया के अपन दुल्हा मान के करे संग में जाई सिंह बन दास कौन दुल्हा बनल बा सिंह बन दास कौन दुल्हा बनल बा अरे जौन देहिया रहल साहू वाला अरे मुड़िया भलभे से राजकुमार वाला रहल लेकिन जौन देहिया साहू वाला रहल अब वही देहिया के संघरी दुल्हनिया चल जाये इतने में तो रानी से रैनाई गई वाह राजा विक्रमादित्य अपने के तू बड़ा न्यायी बना ला हम अहू सुना तानी राजा विक्रमादित्य बड़ा न्यायी बना ये शरीर का कौन कीमत बा अगर सिर नहीं बा तो शरीर का कीमत कुछ नहीं बा आदमी का पहचान केवल ओकरे सिर से और मुखड़ा से होला या नाते से उस सिरा जौन असली रहल वही के संघरी जाई अरे शरीरिया भले राजकुमार कर रहल लेकिन सिरियागर वो साहू कबा
तो दुल्हनिया और साहू के संगरी जाई। राजा विक्रमादित्य लगले मुस्किए, कहले रानी बतिया सही बा, हम ही गड़बड़ा गई तोहार जौन बा, बात एकदम सही बा, तोहार न्याय एकदम सही बा, लेकिन रानी एक पहर में तो तू बोल देहले बाड़ी। रानी एकरे बाद में दूसरा पहर जब लगा था और दूसरा घंटा बज गई बा, रानी फिर अपन पत्थर के मूर्ति जैसा बन के बैठ गई लिया। फिर राजा तमाम कोशिश करता कर रानी के बुलावे खातिर, लेकिन रानी बोलत नहीं बा। राजा मटका से बोला, माने हे मटका, अरे एक पहर तो चारपाई कुछ खिसा कहानी सुनाए के निपका दे बा, और तमाम कोशिश कैले के बाद रानी तो अब कुछ बोली नहीं, पाथर बन के बैठ गई लिया। नाते से तुम्हारी कुछ सुनावा भाई, रात कैसे कटी। मटका कहता, हे राजा विक्रमादित्य, हम हूं तुम्हें तो एक कथा सुनावा तारी, लेकिन तू हूँ कारी भरल करिया। साहूकार का एगो बेटा रहना जेकर नाम माधव रहल, उनकर गौना आ गई बा, आदू रही उत्साह धज के सोरहो सिंगार कह के आ कोहबर में इंतजार करतिया। अरे सजाई के दूलाहिन कारेली होई ताजारा, कवल हो साहू मुहवाला का कवल ए रामा साहू के हो दूला। सेवा में कमी भइल बा, लेकिन ऐसा बात के चक्कर में हम घिर गई बानी कि हमसे न कहते बनाता और न ही रहते बनाता। दुल्हनिया कहतिया, हे स्वामी, अरे आप हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होला, और आपसे बढ़ के संसार में हमारे लिए केहू नहीं बा, और हमसे नहीं बतावल जाए तो कैसे बतावल जाए। जौन भी दिल का दर्द हो तौन हमसे बता दे जा। लेकिन साहू माधव वो अपने ब्याही से कैसे बतावत ना महाराज। अरे राजा कलारी कावा मोरा संगतिया गहिरी मिताई भईले।
कही नहीं तू लग भेज दे ना कैसे करी हम सन को कैसे धर्म इतना बतिया जब दुल्हनिया सुन ले बा कली से स्वामी तनिको भर पीछे न हटी जेकरे पास धर्म नाई बा और करे पास कुछ नाई बा अगर जवान दहले बाटी तो आप हमके आदेश दे आपका धर्म रही जाई और आपका सब कुछ बच जाई धर्म रही तो सब कुछ हो जाई। इतना बतिया जब सुन ले बा ना अपने दुल्हन के आदेश दे रहे बाटे सोरा वो सिंगार करके दुल्हन पहले से तैयार रहल अब वही रात समिया में अधेरी रात में और दुल्हन कैदी का महाराज घर मा से चल लिए रामा आरे बारी दूलाही गहना से लदर मेहरारू जाती है अकेले बा लेकिन चारों तरफ से घेर रहे मारा अच्छी में कहले का महाराज हमारे हवाले हो कई सागर हो गहना सागर हो गहना रामा सागर हो से भैया लो अरे तुम बन के गहना के भूखबा गहना ले लिया लेकिन हम बहुत जरूरी काम से जाता नहीं अगर गहना हमें आपके दे दे तो हमारे काम अधूरा रह जाई हमके गहनवा के वही जरूरत बा जाता नहीं अब काम पूरा करके आई और करे बाद गहना ले लिया चोरवे कहने वाला चनाक बना तट में से चल जाबी तो फिर घूम के आई बू कल सुनाइए भैया विश्वास माना बाती के हमें गहना का कोनो मानता नहीं बा हमार कर्म केवल करे के बा कर्म हमार पूरा हो जाए करे बाद गहना ले लिया चारो चार किस्म कर रहन चार बुद्धि कर रहन वही में कहो ना कहते जाए थे भाई कोनो बात नहीं बा लेकिन एक काम करिए वहां से कहीं सिपाही रह ले आके हम इनके पकड़वा दिया दुल्हनिया कहती नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हुई कहने अच्छा जाए दे के अच्छा जो लेकिन भूलाइए न वह से गहना ले आके हमें दे दी है लेकिन दुल्हनिया वहां से चलल बा और जाए के राजमहल में पहुंचल बा तो भैल का महाराज अरिया भी रात के निचलैया में दुल्हन पहुंचल जाई दुल्हन पहुंचल जाई राजकुमार के पलंग के पास में जाए के खड़ा भैया अरे राजकुमार के फूलल बनी दिया अरे राजकुमार कनी फूलल बा देख के सुरतिया राजा गईल घबराई दूनो लड़िकन में रहल गही निकाई राजकुमार जब चौंक के उठल माना देखल सामने एक सुंदर नारी खूब
सज धज के आई लिया। कहना ये भाई तू कौन हो के हो के बारू तू कहां से आई बारू। हमके साफ साफ बता दे तुहार मकसद का बा। लेकिन दुल्हनिया वो राजकुमार से कैसे बतावत या महाराज। सुनाए कुंवर जी हो सुनाए कुंवर जी तोहरे मीठे के जाना सुनाए कुंवर जी। अरे मितऊ के जानना सुनाए कुंवर जी। अरे बाले पन में सात लगावला जी कर गवना आई। बाले पन में सात लगावला जी कर गवना आई। तो बर के दिन मितऊ के घर दुल्हन दई पठाई। पहली तोहरे राज भवानवा सुनाए मितऊ। पहली तोहरे राज भवानवा सुनाए कुंवर जी। पहली तोहरे राज भवानवा सुनाए कुंवर जी। राजकुमार कहले हे बहनी अरे हमन पचन में बड़ा दोस्ती रहल। बालेपन में लड़कैया में हमन पचन से भूल हो गई बा। अरे बारी रे उमारिया में कैली कसुरावा हो। के समान होली और भाभी मातारी और बहन के समान होली। यह नाते से जमन लड़कैया में हम पचन गलती कैले रहनी वह गलती के अब उम्र में हम पचन दोहरावल न जाई। तू हमार धर्म के बहन बारू हमसे जहाँ तक पार लगता हमसे अन्न धन सोना चांदी हीरा जवाहरात उपहार के रूप में ले ले और खुशी खुशी अपने घरे चल जा। राजा वहाँ से राजकुमारी अपने यहाँ से विदा कैले बाट हीरा जवाहरात का थाल देखे। लेकिन जब दुल्हन वहाँ से चल देले बा आज जब राहे में पहुँचे लिया जहाँ चोरवे रहने जब छम छम पायल के आवाज सुन ले बाने चारों चोर छिप गए बाना। कहाँ कहीं सिपाही लेके नहीं आवत हो लेकिन जब जान गए ना अकेले आ गया चारों तरफ से आके घेर ले बाना। दुल्हनिया कहता भैया लोग हई ले ला अरे जो गहना हमार बा तमन ले ला। लेकिन देखा जहाँ हम गई रहनी और वहाँ से हई थाली भर का हीरा जवाहरात ले ले आज मान येहू के ले ले। लेकिन जब ये बतिया चोरवे देखना कहना कमर ऐसा मनाई रहा कौने लगे गई लहरू है जौन की इतना कुल हीरा जवाहरात दे दहले बा। ये बतिया सुन के दुल्हनिया सारा कहानी बता ले गई शुरू से अंत तक कि कैसे कैसे बात भाई कहाँ हम का करे खातिर गई लहनी। सारा बतिया सुनने के बाद चोरवे कहना अरे बाप रे बाप
ई तो इंसान नहीं, ई नारी के रूप में देवता बा। और एकरे साथ हमने बहुत बड़ा गलत करतनी, लेकिन फिर वे कहने का महाराज, अरे भूल भइल भारी, अरे भूल भइल भारी, अरे बहिनी हमसे भूल भइल भारी। ए बहिनी हमसे बड़ी भारी भूल हो गई बा, तुमके हम धर्म के बहिन मानतनी, हमारे पास जितना धन बा उ सब तू ले ले, आज से जीवन भर हम बहिन माना, लेकिन अगर हो सके तो हमारे हथवा में राखी का धागा बांध दे। जितना धन रहे दुल्हन के लिए राखी बांध ले बा, भारी भारी सारी बहिनी हमसे भूल भइल भारी। चारों चोर दुल्हन के ले जाए के ओकरे घरे तक पहुंचा देले बाने, वह दुल्हनिया के घरे पहुंचावाने। वह दुल्हनिया के घरे पहुंचावाने। हे राजा विक्रमादित्य, हमें बतावा कौने आदमी के बड़ मनसाहत बा, इतना बतिया जब सुन ले बाटे। राजा बड़े जोर से चटक के बोलल बाने, अरे हमर कौन बड़ी भारी बात लगल बा। अरे राजा कहले बड़ मनसाहत कुमार के बा भाई, कुमार के बा भाई। राजा बड़े जोर से चटक के बोलत ना, अरे बड़ा भारी मर्दाई तो राजकुमार कैलास, या अपने यहाँ से इज्जत के साथ विदा कैलास। यथा बतिया जब सुन ले बा रानी, रानी से नाई रह गए महाराज। शिव बनदास कहे तब रानी, बड़ा मन साहत चोरा मन कह दिखाई, दोनों लड़िकन में रहने बही। रानी बड़े जोर से चटक के बोले दिया, हे राजा विक्रमादित्य, का अपने राज में तू ऐसा न्याय कह के न्यायी राजा बनल बाड़ा। अरे राजकुमार तो केवल अपने धन से थोड़ा सा धन दे के ओके वहां से छुट्टी दे दलस, लेकिन बड़ाई बड़प्पन तो चोरमन के बा, जे जिंदगी भर चोरी करत रहल, लेकिन अनजान नारी के पौले बा, जितना ओकरे पास रहल सब कुछ दे दहले बा, और अपने हाथी में राखी बनहोले बा, जीवन भर बहिन माने के वादा कैले बा, और इज्जत के साथ घरे तक पहुँचौले बा, बड़ मन साहत तो वो चोरमन के बा। राजा विक्रमादित्य मुस्कियाए लगन, कहने रानी तुहार तो फैसला बहुत बढ़िया बा, हमहू के फैसला माने के परता, लेकिन दूसरे पहर में भी तू बोल देले बाड़ू। रानी के ख्याल आई तीसरे पहर के नंबर आ गई बा, रानी फिर पत्थर के समान एकदम मजबूत होके बैठ गई लिया कि अब की चाहे कुछ हो जाई, लेकिन हमके बोले के नहीं बा। राजा तमाम कोशिश करता ना रानी के बुलावे खातिर, लेकिन रानी बोलत नहीं बा। तीसरे नंबर पर राजा विक्रमादित्य कहले, हे खिड़की, अरे बहन रात बहुत बा, दोपहर रात तक कट गई, रानी कुछ बोले वाली भाई नहीं, अकेले कोने तरह से रात कटी। अरे तू ही कुछ कहता अपने में कहर सुनल जात, धीरे धीरे रात बीत जात। लेकिन खिड़की बोला था कि हे महाराज विक्रमादित्य, हमहू एक कथा सुनावा तारी, तू हुकारी भरल करिया रात कट जाई। काशीनाथ पंडित और बंसीधर साहू ये दोनों लड़कन में बड़ा दोस्ती रहा, बियाह हो गई, दोनों के
रूप में चलल बाने दोनों लोग अपन दुल्हन यानी अपने अपने ससुरारी। लेकिन जो साहू रहना बंसीधर साहू अपने संघरिया अपने नौवा के संघरी रह गई में संघरिया तीनों जनी चलत हमें। लेकिन कुछ दूर गईले के बाद में रास्ता कट जात रहल। साहू अपने ससुरारी कोर गईले, पंडित जी अपने ससुरारी कोर गईले। कहना भाई वहां से जब आवल जाई तो यही मिलान होई, जे पहले चहुक जाई ते यही इंतजार करी और यही से संघरी होके फिर घरे चलन जाई। लेकिन वहां से जब साहू अपने नगवा के साथ में लेके ससुरारी में पहुंचलवाना तो उनकर सास बड़ी होशियार रहली। कहली देखा एक काम करिया, संघरी में हमारे दामाद राम नगवा के लेले आई माने नाउ पौनी के जाती हो, दस घर के भौरा हो, अगर इज्जत में तनिको कमी हो जाए तो दुनिया में बड़ा पतिंगा टंग जाई, आ इज्जत खूब बढ़िया हो तो जाए के दुनिया में नाम करी है। लेकिन बुढ़िया अपने घरा वालन के बेटिया पतोह के घर भर के पूरे परिवार के कैसे समझावत या महाराज। अरे दामदक सेवम कमी जो होई केहू जानी ना पाई, केहू जानी ना पाई। नौवा के मन रूठल तनिको लारिकन में रहले गोहिरी मिताई। बुढ़िया खूब कायदे से घर भर के साज डाले बा, जतना सरुआइन रहली जतना सरहज रहली, अब ठाकुर के पीछे पीछे लगल न है। ये ठाकुर है बतिया, ये ठाकुर है बतिया, ये ठाकुर का खाए बना, ये ठाकुर बिछौना कैसे लगाई। और ठाकुरा तो पूरा गदगद रहे। और साहू जब सब तमाशा देखे तभी तरह उनके बड़ा जलन हो, ससुरार हमार और सब जान मान कहले बा ठाकुरा के बर्दाश्त नहीं हो। और ठाकुरा का पूछे के उतने चहकर चहकर और उतने अपन फुरमा फुरमा अपन सेवा करावे। लेकिन साहू से बतिया बर्दाश्त नहीं हो, नहीं निक लगल दुए चार बीतल। कहना मेहरा रूके विदा करा, हमें समय नहीं बजा तनी घरे। अब वहां से विदाई करा के दुल्हनिया के लेले बने साहू नौवा या साहू और उनका दुल्हनिया तीनों जनी वहां से चल देले बने। लेकिन रहिया में नौवा के तो भुलाते नहीं बा, हे मिता ये साहू बाबू अरे तोहरे ससुरारी तो कुछ भी हो भाई बड़ा भल मनई बने, बड़ा सेवा हमार तो से ज्यादा सेवा तो हमार होत रहे। आई बतिया साहू सुनत उनका देहिया जल के राखी हो जा, बर्दाश्त नहीं हो, सुनत सुनत उनसे बर्दाश्त नहीं भइल बा। भैया अरे विदाई रामा अछूटाला हो नाई हारा संहरिया हो साहू छोड़ल, संहरिया हो साहू गाई ले हो अपनी घर। नवगो कल से दुल्हन का सुनहरी छोड़ के चल देता है अपने घरे। अरे नाऊ भी दुल्हन के रामा आई लासा बेसा हारा।
बैठल धरे बा। दुलहिन बेचारी अकेल हो गई, कहली से अब कहाँ जाई, वापिस चल दहले बा अपने नैहरे को। लेकिन रहिए भुलाई के दूसरे ओर चल दहले बा दूसरे गांव को। दुलहिन भुलाली हो डगरिया, एक नगरिया में गई। दुलहिना भुलाली हो डगरिया हो, एक नगरिया में गईली ना। उहवा मालिन से भइले सनैया, उहवे सनैया भइली ने। बनावल हार है, राजा के आदेश हो गए दुलहिन के हमरे यहाँ ले आ। दुलहिन यहाँ जाई नहीं चाहतल, लेकिन मजबूरन। अरे वह मालिन के अपन जान बचावे के बा, दुलहिन के समझा बुझा के राजा के पास में ले गए बा। और राजा जब देखने मरे सूरतिया तो मोहित हो गई ना, काहे कि उनके घर में उनके राज दरबार में कोई सब सुंदर रह नहीं। कहना है दुलहिनिया के अब हमारे महल में रहे के बा, आदेश हो गए बा। और दुलहिनिया के आदेश लगल, चल के अंदर में महल में रहो, हाँ तो के यहाँ का रानी बन के रहे के बाद। लेकिन ओ दुलहिनिया हाथ जोड़ के खड़ा भई बा राजा के सामने और कहलीस का महाराज, अरे बानी कुमार हो, बानी कुमार हो, यह लबानी ना बानी कुमार हो। खिड़की के रास्ते से रोजाना देखत क्या हमारे नैहरे ससुर करके जाने के उगा जाए तो अपन हाल चाल उनसे बता दे। यार जब पंडित जी अपन दुलहिन लेके आई बड़े जहाँ बदान रह रास्ते में के ही दोनों जनी से भेंट हुई, वहाँ आके इंतजार करत हम, लेकिन ये साहू का पता नहीं लगाता। पंडित जी आ गए बड़े घरे, आज जब घर में गई अपने नीता की यहाँ तो कहने का महाराज, हमके छोड़ी काहे घरे चली आईला, कहवा बारी उ भौजी हमार हो, यह लबानी ना बानी हमार हो। साहू कहना का करी, अरे वहां से जब विदा करा के ससुरारी में, बाप रे बाप, हमारे धंधे को
छत्र नया घूम घूम नौए के जान मान होत रहे और नौए के सेवा होत रहल। वो राह में आवत घूम घूम अपने बड़ाई करत जियरा हमार जरा देल संगवा में हमारे नौआ गईल रहे देहल से जियरा जराई हमार हो यहल बानी जगहिया पर दुल्हन के छोड़ी छोड़ के हम घरे भाग गई का करी। लेकिन पंडित जी कहना बाप रे बाप इतना बड़ा गलती कैला सगरो गलती देखा तबा तोहार हो यह लबानी ना बानी चलो भाभी के खोजल जाई खोजत रहिया भेले जात रहा हा। लेकिन वो दुल्हनिया के नजर पड़ गई खिड़की के रास्ते से आ इशारा करके अपने नौकरन के द्वारा उन्हें बोलवा के अपने पास में कहले बा हे नाथ हमसे कौन ऐसा गलती कर लहल हमके आधे रहिए में छोड़ के भाग गई। वो दोनों जने लगना माफी मांगे कहना बड़ी भारी गलती भाई अच्छा चला अपने घरे चल जा। लेकिन दुल्हनिया कहल ऐसे नहीं राजा के सामने चले के परी उसे हुकुम लेने के परी तीनों जनी राजा से मंगले विदाई वो खिड़की बोला था हे राजा विक्रमादित्य हमन बतावा के कर भरमन साहत बा बड़ा पन साहू देखो मैं दामदार हो यह लबानी ना बानी बतावा हमन केकर बड़प्पन बा राजा बड़े जोर से चटक के बोले हमन कम बड़ी भारी बात लगल बा साहू बेचारा बड़ा बड़प्पन कहले बा कि जाई के उतना दिन छोड़ले के बाद फिर जाई के अपने दुल्हन के ले आवत बा इतना पड़े तो रानी बड़े जोर से चटक गई लिया वाह राजा वाह बहुत बढ़िया न्याय बड़ा बहुत बढ़िया न्याय करता जब रहिए में छोड़ के भाग गई बा भला कैसे बड़प्पन होकर हुई जे रहिए में छोड़ के भागल कैसे बड़ा हो जाई कैसे बड़ा हो जाई वह नारी के हवे बड़प्पन श्रीमान दासा या पानी जतब बचाई रानी बड़े जोर से चटक के बोल वाह राजा बड़ा न्यायी भैल बड़ा हाँ तो बहुत नाम सुनत हरी राजा विक्रमादित्य बड़ा न्यायी बने लेकिन यह त्योहार न्याय है जो रहिए में छोड़ के भाग गई के बड़ा बनावा काटा अरे बड़प्पन तो नारी के बा या पर इज्जत बचाई के और फिर वह घरे वापिस आई गई या राजा मुस्किए लगने कहने रानी बात सही कहता न्याय तुम्हारे सही बा लेकिन तीसरे पहर में भी बोल दहले बारू ये बतिया जब सुनले वाली रानी के याद आई हो बड़ा भारी गलती हो गई अब तो हम कतई नहीं बोलब चाहे राजा कुछ कही रही है। फिर चौथे पहर में और रानी चुप्पी साध के बैठ गई वाली एकदम पत्थर के मूर्ति के समान एकदम अटल होके अब कुछ नहीं बोले की बात राजा तमाम कोशिश कहने बोलावे के रानी बोलत नहीं वाली लेकिन फिर अंतिम में जौन गटैया में हरवा रहा कहना हे हार हे रानी के गले के हार रानी तो कुछ नहीं बोली है लेकिन कम से कम तू ही कुछ कहता रात बीतत गले के हार बोलता हे राजा तनी को चिंता न करा जैसा तीन लोग तुहे कथा सुनावे वाले वही तरह से हम तुहे कथा सुनावा तारी हुकारी भरल करा रात कट जाई चार दोस्त रहना एक जनी रहना सुनार और एक जनी रहना बढ़ई एक जनी रहना दर्जी और एक जनी रहना पंडित जी
चारों दोस्त आपस में विचार कैले बाटे, नीता यहाँ रहले काम चले वाला ना, वो कहीं चले के चाहिए बाहर, कुछ कमा धमा के ले आवे के चाहिए। अरे प्रेम अधिकारी आ प्रेम अधिकारी, आ चारो मीतवन में रहले प्रेम अधिकारी। चारो मितरे यतसुर होके करने चले कमाई, करने चले कमाई। चलते चलत शाम होई गई न, एक बाना में चारो पहुंचले जाई, चारो मितवन में रहले प्रेम अधिकारी। चारो दोस्त जाके पहुंचल बारे जंगल में, और शाम हो गई बा, कहना यही रात बिता ले हल जाई और सवेरे यहाँ से चल जाई, लेकिन कहना ऐसे नहीं ठीक बा। अरे भाई एक दाई सूती जाई जाई, कहीं हथियार उथियार हमन के केहू चोर चेहरी लेके चल जाई। अरे कम से कम एक एक पहर एक एक जनी पहरा करा, लेकिन पहले पहले पहर में पहरा लागल बा बढ़ई राम के। वही बन में डेरा गिराई दिहल, गिराई दिहल। बढ़ई अपन यारी बसुला जलान, बढ़ई अपन यारी बसुला चलान, सुंदर नारी बनाई दिहल। हम चलता ही सुते तो करे बाद दर्जी भाई के जगा देने वाले, और दर्जी जब उठना पहरा कर कर देखो था ये भाई, इधर वाला करी के मेहरारू ही बात ले, हम हूँ कुछ करी। दर्जी कपड़ा के कहले सिलाई, घघरा चोली पहिराई दिहल, मुही बनवे जगा दे सुनरू उठल बड़ा अपने पहाड़ में लाग गए बड़ा। कुछ समय जब बीतल मेहरारू वही बैठावल रह जाए, तो नहीं भाई हम हूँ अब कुछ कर दी के गाना गढ़े लगल सुन, मेहरारू रही, लेकिन सोनरू कहा था बतावा इतना बढ़िया से इतना महान का सोना चांदी हीरा जवात के जेवर पहले वाली कैसे तू ले ले बा मेहरारू।
दर्जिया कहता न सुंदर सुनर लहंगा चुनरी हम पहरवली मेहरारू तोहार रही बढ़ावा कहता हो देखा सब कुछ कैली धैली हम बनौली हम मेहरारू ई लोगली हैं। लेकिन गले के हार बोलता हे राजा विक्रमादित्य बताओ मेहरारूआ के कर रही अरे चारों में अब झगड़ा भइला के दुल्हन अपनाई भारी बात हो भाई अरे जान डाले बड़े पंडित जी दुल्हन पंडित जी के भाई तो बरानी हंसली ठठाई चारों में तवन में रहले प्रेम अधिकार अपने बिटिया से बियाह करी अरे जे चूड़ी पहिरावाला वह दुल्हन का हकदार होला तो बढ़ावा चूड़ी पहिरावले बा या नाते से दुल्हन बढ़ावा ते हुई। राजा विक्रमादित्य हंसे लगले कहले रानी तोहर इंसाफ तो बड़ा सही सही बा लेकिन फिर चौथे पहर में भी तू बोल गई बारू और तू अपने शर्त से हार गई बारू अरे चारों पहर में रानी बोलल राजा दियन हराई राजा दियन हराई रानी हार गई बारी हनाते से जितना राजा महाराजा के कैद कैले रही सबके छोड़ डाले बारी सागरो राजा कैद से छूटले बतिया देवली जगरा बढ़ाई